तो देख रहे हैं दोस्तों कितना बढ़िया आटे का हलवा बना है ये और कितना बढ़िया सीखा है। तो आज मैं आपके साथ में इसी आटे के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बनकर के तैयार हो जाता है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो बिना देरी किए चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैं तोशी आपका अपने चैनल राजस्थानी तड़का विद तोशी में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम रख देंगे गैस पर कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे घी। तो ये आधा कटोरी घी मैं इसमें डालूंगी और बाकी का बचा लूंगी। तो घी को गर्म होने देते हैं और जब घी हल्का सा गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए हैं 10-15 बादाम और 10-15 काजू। तो सबसे पहले हम डाल देते हैं बादाम। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इन्हें तलना है। हल्का सा कलर चेंज होते ही हम इन्हें निकाल लेंगे, नहीं तो बादाम कड़वे हो जाते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे काजू। काजू को भी बस हम हल्का सा ही तलेंगे। मुश्किल से आधा मिनट का समय भी नहीं लगता और दोनों चीजें तलने में आ जाती हैं। तो देखिए हल्का हल्का कलर चेंज हो गया, बस अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। तो ये दोनों चीजें हमने निकाल ली हैं और अब हम इसमें डालेंगे आटा। तो ये आधा कटोरी करीब घी लिया था मैंने और अब इसमें डाल दूंगी एक कटोरी के करीब आटा। और आटा डालने के बाद हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए सेकना है। फ्लेम हमें इस समय पर लो टू मीडियम रखनी है। और आपको लग रहा है कि आटा जल रहा है तो आप फ्लेम को लो कर दीजिए। आपको भी इस समय पर लगेगा कि आटे में घी कम है, लेकिन जैसे जैसे ये आटा सिकेगा ये घी छोड़ना शुरू कर देगा। ये देखिए, और ये देखिए अच्छा बादामी कलर का हमने इस आटे को सेक लिया है। और आप देख सकते हैं घी अब बिल्कुल भी कम नहीं लग रहा है। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आप ऐसे तो इसमें ठंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर पानी को पहले गर्म कर लिया जाए तो हलवा जो है वो बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि जैसे ही हम इसमें गर्म पानी डालेंगे आटा फटाफट से फूल जाएगा, और अगर ठंडा पानी डालते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। तो ये देखिए आटा कितने अच्छे से फूल गया। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी। तो एक कटोरी आटे में मैंने जो ये पानी डाला है ये करीब 2.5 से 3 कटोरी डाला है। और कंटिन्यू चलाते हैं। ये देखिए पूरा पानी आटे ने सोख लिया है। बस हमें इस समय पर ये ध्यान रखना है कि कंटिन्यू चलाना है। और कंटिन्यू चलाते हुए हम 4 से 5 मिनट के लिए इसे और भूनेंगे। ये देखिए बस इसी तरह से हम इसे भूनते रहेंगे, क्योंकि जितना हलवे की भुनाई होगी हलवा उतना ही टेस्टी बनेगा। तो देखिए करीब 4-5 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। तो मैंने आधा कटोरी चीनी डाली है। आप अगर मीठा थोड़ा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। आप आधा कटोरी की जगह 3/4 कटोरी चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो हलवे का कम और चीनी का ज़्यादा टेस्ट आएगा। और चीनी डालने के बाद भी ये देखिए करीब 3 से 4 मिनट तक मैंने इसे भुना है। और अब मैं इसमें 1 से 2 चम्मच घी और डालूंगी, इससे हलवे का टेस्ट और दुगना हो जाएगा। और घी डालने के बाद करीब 1 मिनट के लिए और भून लेते हैं। और जैसे ही ये भुन जाए हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट जो हमने तल करके रखे थे। ये बादाम और काजू काट के डालना चाहें तो काट के डाल सकते हैं, और साबुत डालना चाहें तो साबुत डाल सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये आटे के हलवे की रेसिपी? अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हलवे की रेसिपी कैसी लगी। और इसी तरह की आसान और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये लीजिए हमारा टेस्टी हलवा तैयार है। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया बना है। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।